अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की गवर्नमेंट सेक्टर की MBBS BDS की मेरिट लिस्टों की डेट के हवाले से। जिसके आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो है कुछ दिन पहले जो है पोर्टल जो है दोबारा खोलने का ऐलान किया गया था। तो इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 13 नवंबर 2023 को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगनी थी गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की, तो क्या उसमें कोई डिले आएगा और जो है वो अब जो है नई डेट क्या होगी मेरिट लिस्टों की अगर उसमें डिले आता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे से इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से 31 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया था मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिलों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा सिंध में दोबारा MD कैट देने वाले उम्मीदवारों के लिए पंजाब में पोर्टल खोलने का फैसला किया गया था, जिसके लिए जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 3 दिन और प्राइवेट के लिए जो है वो 2 हफ्तों के लिए जो है पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। और ये पोर्टल तब खुलेगा जब जो है वो MD कैट का जो है रिजल्ट आ जाएगा KPK और सिंध में। याद रखें कि सिंध में जो कि MD कैट रिकंडक्ट है वो 19 नवंबर 2023 को, जबकि KPK का MD कैट 2023 रिकंडक्ट जो है वो 26 अक्टूबर 2023 को रिकंडक्ट होगा। तो इस वाले से जो पोर्टल है उसके बाद ही खुलेगा। और जो मेरिट लिस्टों का शेड्यूल था, इससे पहले जो मेरिट लिस्टों का शेड्यूल था 13 नवंबर 2023 को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगनी थी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो थी 17 नवंबर 2023 को लगनी थी, जबकि कॉलेज वाइज फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट MBBS की जो थी वो 20 नवंबर 2023 को थी। तो अब इनमें अगर जो है पोर्टल दोबारा ओपन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जानिब से, तो जो मेरिट लिस्टों का शेड्यूल है वो डिस्टर्ब होगा और मेरिट लिस्टें जो हैं वो डिले का शिकार होंगी। और मेरिट लिस्टें जो हैं वो पोर्टल जब दोबारा ओपन होगा MD कैट के रिजल्ट आने के बाद, उसके बाद जब एडमिशन होंगे तो तब उसके बाद ही जाकर जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट कॉलेज वाइज मेरिट लिस्टें जो हैं वो दोबारा लगेंगी। तो पोर्टल ओपन होने तक जो है वो मेरिट लिस्टें जो हैं डिले का शिकार रहेंगी, और उस तब तक जो है वो हो सकता है कि मेरिट लिस्टें जो हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या दूसरी मेरिट लिस्टें कोई भी ना लगाई जा सके अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर जो है पोर्टल ओपन करने का दोबारा फैसला करती है। तो दोस्तों, ये थी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे मेरिट लिस्टों के डिले के वाले से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।